सौंदर्य के इस बिहेवियर ने जीता है जनता का दिल। आखिर ऐसा क्या किया है सौंदर्य शर्मा ने जिसके बाद लोगों का यह अप्रोच आ रहा है कि यार ये चीज जो इन्होंने की ये शायद जनता का दिल जीत गया। तो आप सब जानते हैं कि जब भी अगर कमेंट सेक्शन आप लोग खोलोगे चाहे कोई भी पोस्ट का हो तो भाई मिक्स रिव्यूज होते हैं। अगर सेलिब्रिटी हो तो कंपलसरी मिक्स रिव्यूज होने ही हैं। जैसे कि कुछ लोग इस जो सौंदर्य ने किया उसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग उस चीज को थोड़ा सा अलग ढंग से देख रहे हैं। तो आखिर क्या किया है सौंदर्य ने जिसके बाद इतना ज्यादा वो बवाल हो रहा है, ये आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। सौंदर्य शर्मा जब से बिग बॉस के घर से बाहर आई है सुर्खियों में बनी हुई है। बिग बॉस के घर में तो सुर्खियों में थी वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बिग बॉस के घर में एक टैग मिल चुका था या फिर जनता ने उनको टैग दे दिया था टास्क मास्टर का, क्योंकि जो भी टास्क उन्होंने किए उसमें वो एक्सेल हुई है। बहुत अच्छा टास्क किया उन्होंने और बिग बॉस के घर में उनको पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन जिस तरीके से पहले उनका गेम था, जैसे वो गौतम के साथ जो भी उनका इंसिडेंट हुआ और उसके बाद गौतम का घर के बाहर जाना और सौंदर्य को उसके बाद चीज़ें समझना, चीज़ें डिकोड होना, ये खुद में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सौंदर्य चीज़ों को समझी कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्यों लोग उनको इतना ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे बाहर। लेकिन सौंदर्य को भी घर के बाहर उसी तरीके से निकाला गया जिस तरीके से अंकित गुप्ता को निकाला गया था, जिसको हम एक चीज़ बोल सकते हैं षड्यंत्रकारी तरीके से। क्योंकि बिग बॉस ने जो नॉमिनेशन वाली प्रतिक्रिया थी, जो घर से बेघर करने वाली प्रतिक्रिया होती है जिसमें कंटेस्टेंट्स को इविक्ट किया जाता है, उस चीज़ को घर वालों पर छोड़ दिया और घर वालों ने एक ऐसा इविक्शन दिया कि कहीं ना कहीं वो पूरा वन साइडेड प्लानिंग लग रहा था। क्योंकि अर्चना जो है वो बार बार बोल रही थी कि सौंदर्य नहीं जानी चाहिए, लेकिन एट लास्ट इन सब ने मिलकर अर्चना को भी कन्विंस कर ही लिया और सौंदर्य जो है वो घर से बेघर हो गई। लेकिन बाहर आने के बाद सौंदर्य का नाम सुर्खियों में और ज़्यादा चलने लगा। इसकी वजह थी कि बाहर आने के बाद उनको एक आइटम नंबर मिला और वो भी साजिद खान की मूवी में जिसका नाम है 100%। लेकिन खबरें यहीं थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद और एक खबर आई जो सुनने के बाद तो लोगों का मिजाज ही एकदम अलग हो गया कि यार ये कैसे हो गया। लिटरली शॉकिंग था क्योंकि खबर ये थी कि सौंदर्य जो है वो साजिद खान को डेट कर रही है। लेकिन अभी बीच में इन दोनों ने इस रूमर को खारिज किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सौंदर्य कहती है साजिद मेरा भाई है और साजिद कहते हैं कि सौंदर्य मेरी बहन जैसी है। तो आपको बता दें कि कल सौंदर्य जब घर लौट रही थी पार्टी से तो बीच में किसी का झगड़ा हो रहा था और सौंदर्य ने झगड़े के बीच में आके मतलब ऐसा सोचा कि झगड़े को छुड़ा दूं। ये आप देख सकते हो कल की वीडियो है जिसमें सौंदर्य बोल रही है मार रहे हैं उसको और छुड़ाने की कोशिश कर रही है बहुत ज़्यादा, जिस पर जनता का क्या रिप्लाई है ये आपको बता देते हैं। कोई लिख रहा है कि यार क्या ही करते हैं ये लोग, पब्लिसिटी स्टंट के लिए इतना भी मत गिर जाओ। कोई लिख रहा है कि पॉपुलैरिटी के लिए रोज़ कैमरा के सामने आते हैं और तब भी किसी का झगड़ा हो तो उसमें ही बीच में घुसना है। फिर कोई लिख रहा है कि अगर फाइट भाई देख लो कैमरामैन कितना कमाल है। कोई कमेंट लिख रहा है कैमरामैन देख लो कितना कमाल है, झगड़ा छोड़ के सौंदर्य को दिखा रहा है। फिर कोई लिख रहा है कि भाई क्या ही है मीडिया वाले, भाई टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर कोई लिख रहा है कि आखिर इस झगड़े से सौंदर्य का लेना देना क्या था जो वो झगड़ा देखने रुक गई। इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रही हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।